लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, लोग जाने ही गीत है। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 581। हुण तक तीन शब्द गुरु नानक पातशाह दे संपूर्ण होए ने। वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानोवा। वडहंस महला पहला, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानोवा, सो साहिब कुदरत जानोवा। सचड़ा दूर न पाली है, सचड़ा दूर न पाली है, घट घट शब्द पछाणोवा, घट शब्द पछाणोवा, सच शब्द पछाणो दूर न जानो, सच शब्द पछाणो दूर न जानो। जिन एह रचना राची, रचना राची, नाम त्याए ता सुख पाए, नाम त्याए ता सुख पाए, बिन नामे पिड़ काची, बिन नामे पिड़ काची, जिन थापी बिद जाने सोई, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप बताया, थाप बताया, जालो सो साहिब परवानो, जिन जग थाप बताया, जालो थाप बताया, जालो सो साहिब परवानो। वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानोवा। महाराज समझाउंदे ने भाई, जिन्हें इस सारी सृष्टि नूं साजिया उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं, ते उहदे विच समाया होया नाले सृष्टि च, कहिंदे जाणिया किवें जाएगा, सो साहिब कुदरत जानोवा। कुदरत द्वारा उस कादर नूं कुदरत द्वारा जाणिया जा सकदा। गुरु नानक पातशाह दे बोल बाणी च रोज़ पढ़ते हैं, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई रखिया। क्योंकि कुदरत दिसै, कुदरत सुनिए, कुदरत भाओ सुख सार। वो कादर कुदरत द्वारा जाणिया जांदा है, ये गल गुरु नानक पातशाह ने सानूं स्पष्ट समझाई। सचड़ा दूर ना भाली है, घट घट शब्द पछाणोवा। मारे कहते घट घट शब्द पछाणोवा, घट घट विच दूर नहीं है, सारिया हिरदियां विच सारिया घटां विच वह वसद, सभ्य घट राम बोल है, वह सारे विच वसद। पर मारे कहने शब्द पछाणोवा, पछाणोवा गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु की विचारधारा द्वारा उन्हों पछाणिया जा सकता है। क्योंकि जानना तो पछाणना दो चीज़ें ने, पछाण लेना पिछों तो पहला तो, जिन्हों असी मिलते हुए जिन्होंने असी जानते पे सब पहला तो ही, कहने उन्हें पछाण लिया, कहने पर पछाणिया किवें, गुरु के शब्द द्वारा। सच शब्द पछाणो दूर ना जाणो, जिन्हें रचना राची, कहने दूर ना जाणो भाई,
सच नूं शब्द द्वारा पछाणना करो। ये सारी रचना उसने रची है। जो बाणी नाल जुड़ोगे, समझोगे, जाणोगे तो वेख लोगे। नाम ध्याए तां सुख पाए, बिन नाम है पिड़काची। फिर नाल सानूं कुछ करन नूं भी किया महाराज ने, कहिंदे नाम ध्याओ, ध्याउणा करो भाई। नाम ध्याए तां सुख पाए, असली सुख तो नाम विच है। नाम तो बिना तो कच्ची खेड है, पिड़ कच्ची तो पाप कच्ची, क्योंकि जिहड़ी आम करके खेडते ने नर्दा, वो कच्ची नर्द अगे गेम नहीं खेडी जा सकती। कहिंदे फिर तो कच्चिया नर्दा ने गल्लां बातां नाल कुछ नहीं मिलेगा, इस करके नाम ध्याउणा करो। जिन थापी बिद जाणै सोई, क्या को कहै वखाणो। जिन्हें सारी सृष्टि नूं थापिया है, इहदी विधि इहदा तरीका भी उहो जाणदा है। क्या को कहै वखाणो, कोई की वख्याण करके दस देगा कि मेरे मुताबक इंज कर लो। ये सारे अपने मूँह दे बाओ ने, मूँह का कहया बाओ है कि इन्ने बजे उठ के आ कर लो, इनिया वाला फेर दो, इन्ना कर दो। कहिंदे नहीं, जो साढ़े अंदरों उपजदा जदों वो प्रभु आप कृपा करता है, बख्शिश करता, वो आप ही उठाउंदा, आप ही जपाउंदा, आप ही जोड़दा साढ़े नाल। ये विधियां उही जानदा है। जे विधि हुंदी फिर तो बड़ा वधिया गल सी ना सानू, वी मेरे मुताबक मेरी विधि ये है। कहिंदे विधि कोई नहीं, विधि तो वह आप जानदा। वो कदों कृपा करके कितों लिया के नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहों ते ना डरै। जिन्हों असी नीच बिरतदा कहने, कदे आया ही नहीं, कदों कृपा की, कदों बख्शिश की, कितने तक कितने पहुँचा देता है। ये विधियां वो जानता है। वाहिगुरु अकाल पुरख होर कोई दूजा नहीं जान सकिया। जिन जग थाप बताया जालो, सो साहिब परवाणो। पर नाल मगने जिन्हें ये जग उत्ते ना मोह का जाल बछाया होया नाल, वो साहिब प्रवान है, उही दर दे उत्ते कबूल हुंदे आ उहदे ते ही, क्योंकि नाल उहने एक जाल पा दिता मोह ते माया का। तो पंछी जिहड़ा है ये जीव, वो मोह दे जाल च फस के रह जाता है। हाँ जी, बाबा आया है उठ चलना, बाबा आया है उठ चलना। अद पंदे है संसारोवा, अद पंदे है संसारोवा। सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख पुरब विचारोवा, दुख सुख पुरब विचारोवा। दुख सुख दिया जेहा किया, दिया जेहा किया। सो निब है जी नाले, सो निब है जी नाले। जे कर्म कराए करता, कर्म कराए करता। दूजी कारण पाले, दूजी कारण पाले। आप निरालम तंदे बादी, कर हुक्म छड़ावन हारो, कल कर दया काल ब्यापे, कल कर दया काल ब्यापे। दूजे पाए विकारो, पाए विकारो। बाबा आया है उठ चलना, अद पंदा है संसारुवा। आए हैं जाने इथों, ये संसार की यात्रा पूरी नहीं है। उंज असी कहने जो तो बंदा मर गया जी, ये संसारिक यात्रा पूरी करके चला गया। नहीं, पूरा तो होया ही नहीं, अधूरा आया सी, अधूरा ही गया, अजे उहदी वाट अजे है ही नहीं, अजे मंजिल बड़ी दूर है अगे। अध वाट है, अद्धी वाट है, अध च रह गया। ये संसार का इतों जाना अध वाटे ही है। कहिंदे बंदा जी सिर सिर सचड़ा लिखिया, दुख सुख पुरब विचारोवा। ये हरेक दे सिर ते भाव ये लेख स्मारक ने दुख सुख लिखे ने। दुख सुख दोनों कपरे पहरे जाए मनुख। इत्थे मारे कहिंदे ये पुरब विचार रहे, इनू पुरब तो भाव पिछले कर्मां दा कोई साडा मजमून नाल जुड़िया होया है। साढ़े पिछले कर्म दा हिसाब किताब जिहदे बारे सानू नहीं पता,
अपने करमन की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे पिछों तो असी कितों तो तुरे हुए हैं। पाणी च महाराज बयान करते नहीं गल मोहि परदेसण दूर ते आए, ये दूर तो आई तो भाव बड़े चिर तो चले हुए हैं। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कहने बड़े जन्म लेंदे तुरे आए हैं। इस करके महाराज कहते ये तो अजे पूर्व विचार ने पहले दियाँ, अजे दुख सुख दिया जिहा किया सो निभै जी नाले, कहने दुख सुख दिंदा है जिहो जिहा उस मालिक ने मैन्यूफैक्चर बना दिता, जिहो जिहा सुभाव बन गया वो तो अखीर तक नाल जांदा। फिर उहदा सुभाव उहदे अंदरले कर्म ने जिहड़े आम आपां कहिंदे आ कि तुरजा वरमा नूं तेरे कर्म जाणगे नाले, बंदा जिथे मर्जी चला जाए वो अपना सुभाव नाल लैके जांदा है, अपने गुण अवगुण नाल लैके जांदा है। जिहे कर्म कराए करता दूजी कार ना भाले, क्योंकि बस जीव दे भी नहीं जिहो जे कर्म कराउंदा है वह करता जीव दूजी भाल कितों करदा, वह तो उसरे लग्या रहिंदा है। जीव कहिंदा कि मैं चुस्त हाँ, मैं चलाक हाँ, मैं इंज करना मर के नहीं, उस परमात्मा वालों ही उहदा मैनीफैक्चर इहो जिहा बन गया होया कि वह काम करता पिया उस पथ नूं तुरिया होया। आप निरालम धंदा बाधी कर हुक्म छडावन हारो, अखीर च फिर मारे कहिंदे भाई वह आप ते निरलेप है, धंदा बाधी ये सारी सृष्टि धंदियां च बन्नी हुई है उन्हें। कर हुक्म छडावन हारो, हाँ हुक्म करदा है उहदे हुक्म नाल, जो करता हुक्म अपना बख्शिश करता किसी से कहने धंदियां तो छुड़ा लेंदा है। अजकल करदियां काल व्यापै दूजे भाए विकारो, पर जीव सब कुछ जानता होया भी कहने अज करांगे कल करांगे, कल नाम काल दा ये गल रावण ने आखी कि कल नाम काल दा, कल करना सो आज कर, आज करें सो अभी कर, हुण दी गल अभी तो हुण तो शुरू कर, क्योंकि असीं वेखदे हां इह गल नूं। मैं अपना तजर्बा भी मेरा जिंदगी दा इही है कि बड़े चिर तों 12 साल हो गए 11 कि बंदे मिलदे ने जी, बस कल तो ना असीं भी आउणा शुरू करांगे, असीं भी चाहुंदे हां कि असीं संथिया लै लईए, चंगी गल है। पर उहनां चों कई कल नहीं ग्रस लए, कल कल करदे चले गए पर कल नहीं आया। इत्थे भी मारे कहिंदे अजकल करदियां काल व्यापै दूजे भाए विकारो, कि जीव दूजे भाव विच ते विकारां विच ग्रसिया रहिंदा है, उहदे चों निकलिया नहीं जांदा, उहदे कोलों होर गल्लां वास्ते टाइम बहुत हैगा, पर नाम दी खातर सिमरन दी खातर विचार दी खातर उहदे कोल टाइम नहीं है। होर गल्लां वास्ते असीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे कढ लैंदे हां, नाम दी खातर नहीं। बुरे काम को ऊट खलोया नाम की बेला पै पै सोया। हां जी जम मार्ग पंथ ना सुजई, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़ अंध गुबारो वा, उजड़ अंध गुबारो वा, ना जल लेफ तुलाइया, ना जल लेफ तुलाइया, ना भोजन प्रकारो वा, ना भोजन प्रकारो वा, भोजन पाओ ना ठंडा पानी, ना कापड़ शिंगारो, ना कापड़ शिंगारो, गल संगल सिर मारे उबो, गल संगल सिर मारे उबो, ना दिसे कर बारो, दिसे कर बारो, इब के राहे जम्मण नाही, के राहे जम्मण नाही, पछुताने सिर पारो, पछुताने सिर पारो, बिन साचे को बेली नाही, बिन साचे को बेली नाही, साचा एह बिचारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़ अंध गुबारो वा, ना जल लेफ तुलाइया, ना भोजन प्रकारो वा। कहने जदों उस मालिक दे दर ते लैके गए
ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੁਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾਹੀਂ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾਹੀਂ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਨ, ਅਤੇ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆੜ ਪੋੜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੰਮਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾਹੀਂ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀਂ ਸਾਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਰੋਵੈ ਰਵੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ, ਰੋਵੈ ਰਵੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ, ਮਿਲ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾ, ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁਠੜੀ, ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁਠੜੀ, ਤੰਦੜਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਵਾ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਵਾ, ਧੰਦਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵੈ, ਰੋਵੈ ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵੈ, ਸੁਪਨੰਤਰ ਸੰਸਾਰੋ, ਸੁਪਨੰਤਰ ਸੰਸਾਰੋ, ਜਿਉਂ ਬਾਜੀ ਗਰ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲੈ, ਬਾਜੀ ਗਰ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲੈ, ਝੂਠ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰੋ, ਝੂਠ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰੋ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ,
बाबा रोवै रवै सो जानिए मिल रोवै गुण सारे वा। गुरु नानक पातशाह कहिंदे भाई असली रोणा ते उन्हां दा जिहड़े मिल के बैठ के गुणां नूं रोंदे ने कि साडे मालक नालों विछड़न दे कारण साडे औगण ने साडे विच ओह गुण नहीं साढ़े विच ओह गुण नहीं है जिहदे करके असीं अपने मालक नूं मिल लैंदे जिहड़े ते उहनूं रोंदे ने उन्हां दा रोणा असली रोणा है। वह सही मायने विच रोंदे ने अंदरों रोंदे ने। रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रोवण हारे वा। जिहड़े माया नूं रोंदे ने धंधिया करके वह तो माया पिछे धंध पिटदे पए ने। धंधा मैं रोवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारो। जिहड़े धंधे कर धंधा बना लिया उन्होंने ते कहिंदे इस धंधे नाल रोंदे ने उन्हां चों अंदरों मैल जिहड़ी विकारां दी ओह नहीं धोंदे। वह तो संसार च इस तरह आए जिवें सुपना आया सी सुपने वांगू निकल गया व्यर्थ चला गया। बस सुपना असीं उठिया बड़े सुपने लए सुपने च आपां बड़ा कुछ वेखदे हां। आह बंदा आम कहावत है कि सौना रूड़ियां ते सुपने शीश महलां दे। सुपने तो बड़े उच्चे उच्चे लैने आ कहिंदे तो सुपने आ संसार एक बस अपने मन दियां उड़ारियां ने होर कुछ भी नहीं है। ये सुपने वांगू बीत गईआं। ज्यों बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारो। अगली उदाहरण फिर देंदे ने महाराज जिवें बाजीगर अपनी बाजी पाउंदिआं कई वारी भुल जांदा है कई वारी उड़क जांदा है। इस तरह ये जीव हंकारे हुए ठगे गए कहिंदे भुले हुए इस मालक तों ठगे गए कहिंदे। वेखो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कराए। आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए। अखीर च फिर महाराज दो लाइनां विच अपना जिहड़ा फैसला गुरु नानक पातशाह सानूं दसदे ने कि इन्हां जीवां दे वस कुछ नहीं। ये कर्म कमाउण वाला वह वाहिगुरू राह पाउण वाला वह आप ही है। सानूं राह दसण वाला भी वह आप है। कृपा करदा साडे अंदरों बख्शिश हुंदी ते असीं उस मालक दे पासे तुरदे हाँ ते कर्म भी फिर वह आप ही कराउंदा है। नाम रत्ते गुरपुरै राखे नानक सहज सुभाए। जिहड़े नाम नाल रत्ते हुए ने भिजे हुए ने वह पूरे गुरु ने उन्हां दी रक्षा कीती है बख्शिश करदा है। ते मारे कहिंदे सहज सुभाए सुभाविक ही नाम जपदे जपदे गुरु नाल जुड़े हुए वह नाम विच भिजे हुए ने। उन्हां दा जिउणा उन्हां दा आउणा यह संसार ते मकबूल है। वह कबूल ने उन्हां दा आउणा धनता दे योग ने। जिहड़े इस तरह अपने जीवन च आए ने जिहड़े इस तरह संसार तो जांदे ने उन्हां दा जाणा भी धनता दे योग है उन्हां दा आउणा भी धनता दे योग है। सो आओ गुरु कृपा करे गुरु बख्शिश करे सानू ये चीज़ समझ आ जाए ये दुनिया का धंध पिटनों असी हट जाइए असी असली मौत नू समझ लईए। जिउंदे जी मैं नू मारना ही असली मौत है। ये मंजिल जिहड़ी साडी जिउंदे जी लैणी हुंदी ये संसार तो मर जाना ये मंजिल नहीं अधूरी मंजिल है। अगों फिर चलना पएगा ता कि सानू चलना ना पवे। बस खेत ही करो नवेरा जिहड़ी अवस्था है ना कहिंदे इत्थे ही मैनू नहीं चाहीदा होर अगे। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पवजल फिर। अब की बार तो भाव है कि हुण इस मनुखा जन्म विच तू कृपा कर तू बख्शिश कर तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है हुण करो कृपा हर राया तुसीं कृपा कर दिओ बख्शिश कर दिओ ता कि सानू जम्मण मरण दा गेड़ टुट जाए। होईआं भुल्लां दी खिमा मंगदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणी। हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणी।